नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आपको घुटने में दर्द रहता हो, या पाँव में कोई दर्द रहता हो, या पिंडलियों में किसी प्रकार का कोई भी दर्द हो, या साइटिका का दर्द हो, उसमें अगर ये आप ये विधि करोगे तो आपका सिर्फ 2 मिनट के अंदर पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों करना क्या, आपको एक ऐसी रस्सी लेनी है और उस रस्सी को, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, उसको पाँव पे उंगलियों में डालकर इस तरह से अप्लाई करना, रस्सी को टाइट करते हुए पूरे पाँव को। ये देख सकते हैं डेमो आपके सामने है, बिल्कुल टाइट करते हुए रस्सी को पूरे पाँव पर, रस्सी के बीच में 2 उंगल का गैप देना है। इसको धीरे धीरे टाइट करते हुए पूरे पाँव पर लपेटना है, घुटने से ऊपर तक इसको आपको इस प्रकार से लपेटना है। अगर आपको दर्द रहते हो, या पिंडलियों में किसी प्रकार का कोई भी दर्द हो, कई बार यूरिक एसिड, आर ए फैक्टर या कैलेस्ट्रॉल होने की वजह से अपने पाँव में दर्द होने लगता है। जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी, ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उससे हमारे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, पिंडलियाँ हमारी टाइट हो जाती है, जकड़न पैदा होती है, उंगलियों सुन्नपन होना शुरू हो जाता है। तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो, रस्सी की सहायता से आप इस प्रकार बेंच पर बैठना है और पाँव को हिलाना है, लगातार पाँव को 2 मिनट तक हिलाना है इस प्रकार से। इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो एकदम एक बार ब्लॉकेज हो जाएगा, और जब हम रस्सी को खोलेंगे तो ब्लड जो फ्लो है वो फास्ट गति से जाएगा। उसके साथ जो यूरिक एसिड पाँव में है, आर ए फैक्टर है, कैलेस्ट्रोल हो गया पाँव में, तो वो वात पित्त कफ जो भी पाँव में है वो ब्लड के साथ मेल्ट होकर अपने ब्लड में मिल जाएगा और दर्द आपका तुरंत कम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से लगातार 2 मिनट तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रखना है कि अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, या किसी ने घुटने बदलवाए हुए हों, तो उसको ये प्रक्रिया नहीं करनी है। और जिन लोगों को शुगर की समस्या रहती है, उन लोगों को भी ये प्रक्रिया नहीं करनी है। बाकी जिनको घुटने में दर्द रहता हो, घुटने में गैप आ गया हो, या किसी प्रकार का कोई भी नसों का दर्द हो, तो इस प्रक्रिया को आप बेझिझक कर सकते हैं। आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। ये दोनों पाँव में इस तरह से देख सकते हैं, उंगलियों में अप्लाई करनी है रस्सी को। बहुत कारगर उपचार है ये, जिसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। कई बार देखते हैं हम कि ज़्यादा सफ़र करने से, ज़्यादा चलने से हमारे पाँव में जो भारीपन आ जाता है, पाँव सुन्न होने लग जाते हैं, या कई बार ज़्यादा सफ़र करने से पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो बेझिझक। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। इस प्रकार से दोनों पाँव पर आपको ये प्रक्रिया करनी है। काफ़ी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई समस्या है, पाँव में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, यूरिक एसिड आर ए फैक्टर बढ़ गया हो, उसके कारण दर्द हो रहा हो, वात पित्त की बढ़ने के कारण भी कई बार पाँव में दर्द हो जाता है, तो आप इस प्रक्रिया से अपने पाँव का दर्द अपने घर पर ही सेल्फ ठीक कर सकते हो। किसी के पाँव में अगर बैलेंस नहीं बनता हो, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये प्रक्रिया। किसी को अगर पैरालिसिस, लकवा, अधरंग हो गया, तो भी आप इस प्रक्रिया को
बड़ी आसानी से कर सकते हो, उसको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। ये देखिए इस प्रकार लगातार 2 मिनट एक पाँव पर, 2 मिनट दूसरे पाँव पर इस प्रकार एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा ब्लड का जो फ्लो है वो एक बार तो ब्लॉक होगा और रस्सी को खोलने के बाद ब्लड का जो फ्लो है वो फास्ट तीव्र गति से हो जाएगा, जिससे हमारे पाँव में दर्द ठीक होगा। आप भी एक बार इस प्रक्रिया को अपने घर पर अप्लाई करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए अभी इस रस्सी को खोल दिया गया है, अभी जो ब्लड का सर्कुलेशन है नीचे आ जाएगा और उसके बाद हमने इनको ब्लड सर्कुलेशन मशीन पर 1 मिनट के लिए खड़ा कर दिया है। इस प्रकार से ये क्या कहते हैं वाइब्रेशन देगी, जिससे हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो और भी तीव्र गति से हो जाएगा, जो कि बहुत ही फायदेमंद है हमारी टांगों के लिए और दर्द को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।